शांत हो जाइए। क्या हुआ? अरे भैया, सचिन के आउट होने पे कैफ भी तो मैच जिता सकते हैं ना। माहौल बहुत अच्छा है, शादी का। अय हाय, दुल्हा दुल्हन कितना प्यार करते होंगे एक दूसरे को, क्या वादे किए होंगे ना शादी से पहले एक दूसरे को, हम हमेशा के लिए प्यार करेंगे, कभी किसी लड़की की तरफ देखेंगे भी नहीं। और भैया, वो वादा निभाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये किसी भी लड़की की तरफ देखे है ना, तो दरोगा भैया है तो इनकाउंटर कराने के लिए। क्यों दरोगा भैया, 4 साल के बाद लोग पूछेंगे, अरे दरोगा जी, आपके तो जीजा जी दिख नहीं रहे हैं। बोलेंगे हाँ, नहीं दिखते, कुछ ज्यादा ही देखने लगे थे ना। अरे लेकिन शादी से पहले जो वादे होते हैं ना, बहुत कीमती होते हैं। हम आपको फ्रिज देंगे, टीवी देंगे, घर देंगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जितने छोटे आदमी के गोटे होते हैं, उनसे बड़ा होता है उनका झूठ। बोल देते हैं कई लोग, हम तुमको पूरी दुनिया दिखा देंगे। दुनिया? अरे चूतिए, 10 साल के लिए गाजियाबाद में छुट्टी मना रहे हैं, वहां धूप में कुल्फी खा रहे, सोच रहे ये क्या पिघल रहा है, दूध बतासा या हमारे सपने। जाने से पहले एक और जोक सुना। पति से पत्नी पूछी, जब हम पहली बार मिले तो कौन सी रंग की साड़ी पहनी थी हमने? पति बोले हमको याद नहीं। पत्नी पूछी क्यों? पति बोले अरे, जब रेल की पटरी पे कोई सो जाता है ना आदमी मरने के लिए, तो थोड़ी ना पूछता है पैसेंजर ट्रेन है कि शताब्दी।